हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने हमारी अनस्क्रिप्टेड 2 वाली वीडियो डाला था, जहां हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जो चैनल के रिलेटेड है, जैसे कॉपीराइट स्ट्राइक, पेड सीरीज, मोनेटाइजेशन और हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली बैक टेस्टिंग शीट भी आपको प्रोवाइड किया था। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपका उस वीडियो पर काफी सपोर्ट आया, थैंक यू फॉर दैट। अगर आप में से किसी ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंदर से जरूर चेकआउट करना। बहुत टाइम हो गया हमें कोई स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डाले हुए। इतने टाइम से हम सिर्फ इंट्राडे या बीटीएसटी वाले स्ट्रेटजीज ही डाले जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डाल दूं। आज का वीडियो भी बहुत रिक्वेस्टेड था, बट बाकी सब वीडियो के वजह से पेंडिंग रह गया था बहुत टाइम से। सो इन दिस वीडियो वी विल सी एन अनदर स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू हनीश सिंह ठाकुर फ्रॉम बूमिंग बुल्स, हु हैज अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारे भी चैनल पे बहुत जल्दी 15K होने वाले हैं। सो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो भाई कर दो। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ईयर एंड होने से पहले मैं 15K पहुँचाओगे ना। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अवर फेमस यूट्यूबर फ्री स्ट्रेटजी सीरीज, वेर वी टेस्ट स्ट्रेटजीज प्रोवाइडेड बाई योर फेवरेट यूट्यूबर्स एंड बैक टेस्ट दो स्ट्रेटजीज एंड कैलकुलेट द रियल विन रेट। So today we are going to back test another famous strategy, which is Fibonacci EMA strategy. Screen पे आपको वीडियो दिख रहा होगा। इस strategy में नाम से ही आपको समझता है कि इसमें indicators तो use हो रहे हैं। वीडियो में उन्होंने 3 indicator use किया है, जहां वो 55 EMA को entry के लिए use करते हैं, exit के लिए उनके पास 3 अलग अलग methods है। First method fixed risk reward ratio था, second one was using 13 EMA for target और third was Fibonacci pivot। ये strategy में आप देखोगे तो दोनों EMA का length एक Fibonacci number है और pivots भी उन्होंने Fibonacci ही use किया, इसलिए हमने strategy का नाम Fibonacci EMA strategy रखा है, क्योंकि उन्होंने officially इसका कुछ नाम नहीं दिया। Currently we will be using the combination which according to him works the best, that is combining the first two option, which is booking partial profit at fixed risk reward ratio and then trailing the remaining quantity using 13 EMA. Do let me know if you want to see any other methods. तो intro के बाद हम strategy पे चलते हैं, जहां हम Fibonacci EMA strategy provided by Anish Singh Thakur को total 100 times test करेंगे इन 4 stocks में और check करेंगे कि ये कैसे काम करता है। So hi everyone, this is Pranit from Trader Insight. Let's start the video. सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और यहाँ टाइम फ्रेम को हम 4 आवर्स कर देंगे। अभी इसके बाद हम ऊपर इंडिकेटर्स पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। इसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सर्च करेंगे, तो ये बिल्ट इन वाला आएगा, इसे हम 2 बार ऐड कर देंगे। अभी फर्स्ट EMA पे सेटिंग्स में जाके हम लेंथ को 55 करेंगे और स्टाइल में जाके कलर को वाइट करेंगे और इसका थिकनेस बढ़ा देंगे। ये जो स्टाइल वाला पार्ट था वो मेरा प्रेफरेंस था, आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब सेकेंड EMA, इसमें अब जाएंगे सेटिंग्स में और लेंथ को 13 कर देंगे। इसके स्टाइल में कलर और थिकनेस को मैं डिफॉल्ट ही रखूंगा, क्योंकि मैं इस EMA को ट्रेल करने के लिए यूज करूंगा। चलिए सेटअप रेडी। रूल्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए रूल्स एग्जैक्टली डिफाइन करने से पहले मैं शॉर्ट में स्ट्रेटजी बता देता हूँ। अभी देखिए, बाय रूल्स के हिसाब से प्राइस एक बार 55 EMA को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए और ये जो कैंडल बनेगा वो आपके लिए ट्रिगर कैंडल रहेगा। तो अभी इसके नेक्स्ट कैंडल पे अपने को एंट्री नहीं लेना है, वी विल हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू टेक द रीटेस्ट एंड अगेन टच द 55 EMA विद अ ग्रीन कैंडल। याद रखना, जब ऐसा होगा तो कोई भी कैंडल फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद 55 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी ये कैंडल ने 55 EMA को ब्रेक करके ऊपर गया है, बट यहाँ पर बीच में कैंडल्स ने 55 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया, सो हमारे लिए ये ट्रिगर फेल हो गया। फिर जस्ट यहाँ ये कैंडल ने वापस EMA को ब्रेक करके ऊपर गया, तो हमारे लिए ये हमारा नया ट्रिगर है। और यहाँ आप देख सकते हो, जस्ट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है जो EMA पे रीटेस्ट ले रहा है और 55 EMA को टच भी कर रहा है, और इसके जो प्रीवियस कैंडल्स है उन्होंने 55 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। सो हम ये जो रीटेस्ट कैंडल है
उसके क्लोज पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस टोटल लास्ट थ्री कैंडल्स का लो, लास्ट थ्री कैंडल्स मतलब ये जो रिटेस्ट कैंडल है वो, और उसके अलावा जिसके जो लास्ट टू कैंडल्स है इनमें जिसका भी लोएस्ट लो रहेगा अपन उस पे नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। और इसमें टू टारगेट्स रहेगा, फर्स्ट 50% टारगेट हम जैसे ही प्राइस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 क्रॉस करता है तब बुक कर लेंगे, और रिमेनिंग 50% और जैसे ही प्राइस ने EMA 13 के नीचे क्लोजिंग दिया हम वहाँ एग्जिट करेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट प्रॉफिट हमने ये यहाँ पर बुक किया था और सेकेंड प्रॉफिट हमने यहाँ बुक किया था। आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है। इसे अच्छे से रूल्स के फॉर्म में देखते हैं। सो रूल्स फॉर बाय एंट्री, फर्स्ट प्राइस शुड क्रॉस अबाउ 55 EMA एंड दिस वुड बी अवर ट्रिगर कैंडल, एटलीस्ट वन रेड कैंडल शुड बी फॉर्म आफ्टर दिस क्रॉस ओवर। ये क्यों रखा है, जिसको रिटेस्ट नहीं समझता उसके लिए ये पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है ट्रिगर कैंडल के बाद वाला ही कैंडल ग्रीन निकलता है और वो भी EMA को टच करता है, तो लोगों को डाउट आ सकता है कि हमें इस पे एंट्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और हर कैंडल रिटेस्ट कैंडल नहीं माना जा सकता, इसके लिए हमने ये कंडीशन डाला था। फिर नो कैंडल शुड क्लोज बिलो 55 EMA और लास्ट कंडीशन अ ग्रीन कैंडल शुड बी फॉर्म क्लोज, क्लोज मतलब 0.4% टू EMA या फिर EMA को टच करना चाहिए और उसका क्लोजिंग 55 EMA के ऊपर होना चाहिए। इस कैंडल को हम रिटेस्ट कैंडल को बोलेंगे। ये रिटेस्ट वाला कैंडल अगर 55 EMA के नीचे भी ओपन होता है ना तो चल जाता है, बट क्लोज 55 EMA के ऊपर होना चाहिए। एंट्री वुड बी क्लोज ऑफ द ग्रीन रिटेस्ट कैंडल, स्टॉप लॉस लास्ट थ्री कैंडल लो, रिटेस्ट कैंडल और उसके लास्ट टू कैंडल्स का जिसका भी लो नीचे रहेगा आप उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट वन वुड बी 2 times द रिस्क एंड टारगेट टू व्हेन प्राइस क्लोजेस बिलो द 13 EMA और एंट्री प्राइस विच एवर हिट फर्स्ट। यहाँ मैं ऊपर मेंशन नहीं किया, अगर समझो कि प्राइस आपका फर्स्ट टारगेट हिट कर लिया और उसके बाद EMA 13 के नीचे जा रहा है बट अब तक क्लोजिंग नहीं दिया है तो आप एग्जिट नहीं करोगे बराबर, या फिर आपका EMA 13 आपके ओरिजिनल एंट्री प्राइस से नीचे है तो इस केस में आप क्या करोगे, मतलब आप मैक्स लॉस क्या रहेगा आपका, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट कंडीशन, अब वहाँ पर ही आपको एग्जिट करना रहेगा विच इज़ आवर एंट्री प्राइस। ये उनके वीडियो में नहीं था बट ये हमने ऐड किया है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्राइस ने पहले इधर ब्रेकआउट दिया और ऊपर गया, हमारे लिए ट्रिगर कैंडल है ये, और बीच में एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ जो 55 EMA के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, और ठीक इसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है जो 55 EMA को भी टच कर रहा है। सो ये हमारे लिए रिटेस्ट कैंडल है, सो इसके क्लोज पे हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लास्ट थ्री कैंडल लो, सो ये केस में ट्रिगर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और फर्स्ट टारगेट अपना 2 times द रिस्क जो ऑलमोस्ट हो जाता है, बट सेकेंड टारगेट आप देखोगे अपने रूल्स के हिसाब से आपको EMA 13 को ट्रेल करना था, बट यहाँ आप देखोगे तो ये वाला कैंडल EMA 13 को ब्रेक करके नीचे जा रहा है और लाइव मार्केट में आपको इसका क्लोज का वेट करना होगा, तो इसलिए इधर एग्जिट हो जाएगा जो अपने एंट्री प्राइस से भी नीचे है। हमारे लिए लोएस्ट एग्जिट फॉर टारगेट टू इज नो लॉस एंड नो प्रॉफिट कंडीशन राइट विच इज़ आवर एंट्री प्राइस, तो हमने टारगेट टू यहाँ बुक किया विच इज़ आवर एंट्री प्राइस। सो हमने टारगेट वन यहाँ पर ऊपर बुक किया था और टारगेट टू हमारे एंट्री प्राइस पे बुक किया था। आई होप ये क्लियर है। बिफोर सीइंग सेल रूल्स आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू चार्ट प्राइम हु आर ऑल्सो टूडेज वीडियो स्पॉन्सर। जिनको अब तक नहीं पता चार्ट प्राइम एक कस्टम इंडिकेटर सर्विस है जो बाकी सब इंडिकेटर सर्विस जैसे आपको सिर्फ बाय या सेल के टिप्स नहीं देते। इनका गोल उन ट्रेडर्स पे फोकस्ड है जो अपने ट्रेडिंग करियर के मामले में सीरियस है और इनके टूल्स को एडिशनल कन्फर्मेशन की तरह अपने एनालिसिस में यूज करें। इनकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कम्युनिटी भी है डिस्कॉर्ड पे जहाँ ये लोग ट्रेडिंग आइडियाज पोस्ट करते हैं और नए सेटअप्स भी पोस्ट करते हैं। इनके इंडिकेटर्स में आपको काम के और ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल्स भी मिलते हैं बाकी सब ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के कंपैरिजन में। रेट भी बाकी सब सर्विस प्रोवाइडर्स के हिसाब से ऑलमोस्ट हाफ ही है विच इज़ लाइक $57 फॉर अ मंथ कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ऑफ $70 to $100 अ मंथ, जिसमें ये आपको 6 इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं विद मोर देन 20 different यूनिक कन्फ्लुएंस पॉइंट जो आपके एनालिसिस में यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर एवरीवन और मैं आपको गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ कि ये आपको हमेशा पैसा बना के देगा, बट इतना तो आप भी जानते हो हम ट्रेडर्स हैं और हम प्रोबेबिलिटी पे विश्वास करते हैं और हमने इसमें ऑलरेडी 2 videos भी बनाए आप वो देख सकते हो। सो आई वुड एडवाइस टू टेक 1 month सब्सक्रिप्शन एंड ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट योरसेल्फ और जितना एक्सपेरिमेंटेशन करना है आप कर सकते हो, अगर आपको सही लगा तो ही कंटिन्यू करना वरना आपको कौन फोर्स करता है। और इनका तो 7 days मनी बैक गारंटी भी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, मेरा कोड TINSIDES30 यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल 30% ऑफ मिल जाएगा मंथ के लिए जिससे आपको ये प्रोडक्ट और सस्ते में मिल जाएगा।
सो इफ यू फाइंड इंटरेस्टिंग देन मेक श्योर टू चेक देम आउट। चलिए अब रूल्स फॉर सेल एंट्रीज देखते हैं। सेम बाय का ऑपोजिट, प्राइस शुड क्लोज बिलो EMA 55 विच वुड बी आवर ट्रिगर कैंडल, एटलीस्ट वन ग्रीन कैंडल शुड बी फॉर्म आफ्टर द क्रॉस ओवर, नो कैंडल शुड क्लोज अबव 55 EMA, अ रेड कैंडल शुड बी फॉर्म क्लोज टू 55 EMA, हम क्लोज को 0.4% से डिनोट कर रहे हैं मैक्स, या फिर वो कैंडल EMA 55 को टच करना चाहिए एंड शुड क्लोज बिलो 55 EMA। इसमें भी रीटेस्ट वाला कैंडल अगर 55 EMA के ऊपर ओपन होता है तो चलता है, बट उसका क्लोज 55 EMA के नीचे होना चाहिए। एंट्री वुड बी एट द क्लोज ऑफ द रेड रीटेस्ट कैंडल, स्टॉप लॉस हाइएस्ट ऑफ द लास्ट थ्री कैंडल, लास्ट थ्री कैंडल्स में रीटेस्ट कैंडल और उसका पिछले दो कैंडल्स हैं उसमें जिसका हाई सबसे ऊपर रहेगा अपन वहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट वन शुड बी टू टाइम्स द रिस्क, जहाँ पर आप अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लोगे। एंड टारगेट टू व्हेन प्राइस क्लोजेस अबाउ द 13 EMA और एंट्री प्राइस विच एवर इट इज द फर्स्ट। यहाँ भी सेम, आप आपका मैक्स लॉस आपका एंट्री प्राइस ही ले सकते हो जो आपके लिए नो लॉस और नो प्रॉफिट कंडीशन है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस 55 EMA को ब्रेक करके नीचे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, और इधर बीच में आप देखोगे तो कोई भी कैंडल ने 55 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। उसके बाद यहाँ एक नेक्स्ट रेड कैंडल बना है जो 55 EMA के ऊपर ज़रूर ओपन हुआ है बट उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। सो दिस विल बी आवर रीटेस्ट कैंडल, सो हम एंट्री लेंगे यहाँ इसके क्लोज पे। हमारा टारगेट वन वुड बी टू टाइम्स द रिस्क जो यहाँ पर होगा, और टारगेट टू आप देखोगे तो यह देखिए प्राइस यहाँ EMA के नीचे क्लोजिंग देता है, सो हम यहाँ एग्जिट करेंगे, सो दिस वुड बी आवर टारगेट टू। चलिए आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है आपको, आप उनका वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना है तो। तो इस स्ट्रैटेजी को हम टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर, जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 47 वॉज विन एंड 53 वॉज लॉस, सो विन रेट हुआ 47%। टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज जस्ट 37.83% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज -7.4%। कंटिन्यूस विन इन अ रो इज 6 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो इज 8। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 60.7 months। प्लीज ये 60 months को CAGR के लिए यूज मत करना, दिस इज जस्ट द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर 100 टेस्ट ऑन दिस 4 स्टॉक्स। ये टेस्ट ड्यूरेशन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हर स्ट्रेटेजी को कंपेयर कर सके कि उसका फ्रीक्वेंसी कैसा है। सो जैसे आप देख सकते हो रिजल्ट्स आर प्रॉफिटेबल, 37.83% गेन एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज जस्ट -7.40%, विच इज नॉट बैड। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा एक बार क्यों ना फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी चेक कर लूँ। तो देखिए रिजल्ट वॉर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, 37.85% गेन था और मैक्स ड्रॉडाउन इज -6.86%। तो दोनों में रिजल्ट्स आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही है। सो कूडोज टू हनी सिंह ठाकुर फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रेटेजी। एज ऑलवेज जैसे मैं बोलता हूँ, आपको सीधा मेरी बात या किसी की भी बात ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रेटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये स्ट्रेटेजी कैसा है। सो आई ऐड दिस स्ट्रेटेजी इन द गूगल शीट एंड दिस टेक्स द 8th पोजिशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रिवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी यू लाइक। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड मेक श्योर टू चेक आउट चार्ट प्राइम, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड मेक श्योर टू यूज माई प्रोमो कोड दैट इज दी इनसाइट्स 30 एंड अवेल 30% ऑफ ऑन योर परचेज। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपकी स्क्रीन पे होगा, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जीरोदा का लिंक डाल दूंगा, आप हमसे अकाउंट ओपन करके चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको ये बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो हमने इसे ऑलरेडी हमारे चैनल पे शेयर किया है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। प्लीज कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज में, ये भी जरूर बताना। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटेजीज के वीडियोज भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। More awesome contents are on the way, so see you next time.